आज की शानदार सभा की अध्यक्षता करया हमारा लोक लाडला विधायक जिन्होंने विकास की गंगा भाई ऐसे परम सदे जयनाथ जी पूनिया साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के टॉप मंत्रियों में जिनका नाम आता है ऐसे परम सदे अर्जुनराज जी मेघवाल साहब और हरियाणा गवर्नमेंट में मंत्री का दर्जा प्राप्त जो मेरे चुनाव में काफी दिन से गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं ऐसी बहन सुनीता जी दुग्गल साहब हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त और सांसी समाज से परम श्रद्धेय बलवान जी अब सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मंत्री महोदय पहले से भी बिजी शेड्यूल है चुनावी सभा है और मेरे लिए बहन द्रौपदी जी अपना क्षेत्र छोड़ के आए ऐसे विधायक पीड़िबंगा द्रौपदी जी आदरणीय लेखराम जी सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गा नौजवान साथिया माता और बहना ये आपका बेटा आपका भाई आपका भतीजा आपका भांजा जो खड़ा है ये सेवक खड़ा है ये नेता नहीं आपका सेवक खड़ा है और ये ऐसे चुनावी युद्ध में खड़ा है आप सबको मालूम है चुनावी युद्ध में चुनावी शक्तियां एक तरफ है और आपका बेटा आपका लाल एक तरफ है लेकिन मुझे विश्वास है मंत्री महोदय मैंने मेरी टिकट नहीं मांगी थी कभी मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं और भगवान को साक्षी मांगकर कह रहा हूं मैंने मेरी टिकट नहीं मांगी थी मेरी टिकट इस जनता ने मांगी थी और इस जनता के आशीर्वाद से मैं आज खड़ा हूं मैंने नगर पालिका में चार चार चुनाव लड़े हैं और ये मेरा चौथा चुनाव था ये मेरा निर्विरोध था मेरे सामने किसी ने पर्चा नहीं भरा था मेरे को 3.25 साल पहले मंत्री महोदय ने विधायक महोदय ने और इस जनता ने चेयरमैन चुना था और मुझे कहा था विधायक महोदय ने मंत्री महोदय ने कि बेटा आपको इस शहर को संभालना है हम गांवों को संभालेंगे आज वो शहर है आप याद कीजिए 3.25 साल पहले का शहर और आज का शहर आपका राजस्थान में नहीं इंडिया में नंबर 1 है जहां भी नाम आता है नगर पालिका का वो तारानगर का आता है ये मेरा नाम नहीं ये तारानगर की जनता का नाम है अब दौर चुनाव का आया जब चुनाव का दौर आया टिकटों का दौर आया बड़े बड़े सम्मेलन किए गए कि स्थानीय को टिकट दो और जब स्थानीय में नाना प्रकार की एजेंसियों ने सर्वे किया ये मनीष महोदय बैठे हैं इनके सामने सर्वे पहुंचे हुए हैं इनका बोर्ड बैठा और सर्वे में आपके बेटे का नाम आया वो सब सर्वे में आया